नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी यहाँ पे बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन सत्र 2023-24 के अंतर्गत ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की थर्ड चरण की जो काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया है वो यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। तो आप जो है ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए थर्ड राउंड के लिए नए रजिस्ट्रेशन एवं जिन छात्रों के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए हैं, कॉलेज नहीं मिला है, वो थर्ड राउंड के लिए अपना चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हम आपको जानकारी बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन कक्षा 12वीं के बाद आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएएलएलबी और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यानी ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, बीलेव आदि की जो कोर्स है इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो थर्ड राउंड है वो यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। इसकी जो जानकारी हम बताना चाहेंगे जिसे हम द्वितीय सीएलसी राउंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस है वो आपकी कब से स्टार्ट होगी, तो समस्त छात्र जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन 7/7/2023 से जो है कर पाएंगे। 7 जुलाई 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। और जिन छात्रों ने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करे थे, कॉलेज नहीं मिला है, तो वो यहाँ पे अपना जो है फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसकी भी डेट यहाँ पे 7 जुलाई 2023 है। तो समस्त छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है 7 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 तक कर पाएंगे। 7 से 12 जुलाई 2023 तक की जो बीच में प्रोसेस है वो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की रहेगी। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कॉलेजों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका 8/7/2023 से 15/7/2023 के बीच में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा जिसे आप जो है अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं या फिर आपको मैसेज दिया जाएगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद जो इसका मेरिट लिस्ट है वो किस डेट में जारी होगा, तो यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 18/7/2023 को यहाँ पे जारी होगा। तो जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनके लिए 18/7/2023 को आएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनका 19/7/2023 को मेरिट लिस्ट आएगा। और इसकी जो फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन है यानी आपको जो फीस पेमेंट करने के बाद जो एडमिशन लेना है और यहाँ पे फीस पेमेंट करना है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है 18/7/2023 से 12/22/7/2023 तक कर पाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में 19/7/2023 से 22/7/2023 तक कर पाएंगे। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 18 जुलाई 2023 और 19 जुलाई 2023 को आएगा। 18 से 22 जुलाई 2023 तक आप अपना शुल्क भुगतान करके एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद जिन छात्रों का जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो थर्ड राउंड के लिए यानी सीएलसी थर्ड राउंड के लिए जाएंगे यानी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए उनको जो है यहाँ पे फिर भाग लेना होगा। तो यहाँ पे थर्ड राउंड की जो एडमिशन प्रोसेस है इसके बारे में हम आपको जानकारी बता चुके हैं। जो छात्र फर्स्ट एवं सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे वो अपना रवि रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगा या नहीं मिला है वो अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और एडमिशन ले पाएंगे। इसकी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। आपको सभी जो ऑनलाइन प्रोसेस करनी है, डायरेक्ट आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन ही नाम आएगा, ऑनलाइन ही आपको फीस पेमेंट करके एडमिशन लेना है। तो ये जो जानकारी है कॉलेज के संबंधित है।